नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खरौंधी में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कई लोगों ने उन्हें याद कर सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बुधवार को झामुमो ने प्रखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित भी की गई। लोगों ने उन्हें याद कर सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही झामुमो नेता तथा कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिला परिषद सदस्य सह झामुमो जिला सचिव धर्मराज पासवान ने कहा, मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत विरोध के रूप में याद किया जाता है। उनके जीवन संघर्ष आज भी आदिवासी तथा गैर आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा जनजाति को संगठित कर अपने जल जंगल जमीन को हासिल करने के लिए विशाल विद्रोह किया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप प्रमुख देवदत्त प्रसाद आर्य ने कहा, बिरसा मुंडा ने समाज में मौजूद कुप्रथाओं के खिलाफ जोरदार संघर्ष करते हुए डायन प्रथा को समाज से मिटाने का आह्वान किया था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से आदिवासी भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठाई थी। साथ ही उन्होंने कहा, उलगुलान का विद्रोह को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं आदिवासी सरना समिति ने परसवान में कार्यक्रम आयोजित कर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाया। इस दौरान उन लोगों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके अलावा आदिवासी सरना समिति ने खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किया, जिसमें दौड़, लंबी छलांग, ऊंची छलांग सहित कई खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी के बीच पुरस्कार भी वितरण किया गया। इस मौके पर झामुमो अध्यक्ष अभिजीत किशोर पासवान, सचिव मिथिलेश राम, उपाध्यक्ष राकेश उराव, सियाराम देवदत्त, हिफाजत अंसारी, प्रेमन राम, विनोद यादव, जितेंद्र उराव, शिक्षक मंगलेश सिंह, गोविंद उराव, लक्ष्मण बैठा, अमरेश कुमार राम, वीरेंद्र उराव, रविंदर उराव, उमेश उराव, रामनाथ उराव, बुल्लू उराव, उपेंद्र उराव, वीरेंद्र उराव, सत्येंद्र दास समेत कई ग्रामीण तथा भारी संख्या में महिला उपस्थित थी। आज हम लोग बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित होकर मना रहे हैं। और देखिए, मैं जब से यहाँ शुरू हुआ है उस समय से लेकर और अभी तक मैं डेली आता हूँ, एक भी प्रोग्राम आप लोग के साथ में छोड़ा नहीं हूँ। लेकिन संपर्क नहीं होने के कारण और इसके आगे मैं भी नहीं सोचा कि हमको भी आना पड़ेगा इस मंच पर, इसलिए मैं आया कि देखिए हम लोग भी गरीब परिवार से आते हैं और बहुत मेहनत से हम लोग उस मैदान पर पहुँचे हैं जहाँ पे बीएसएम कॉलेज भोनाथपुर में आईए बीए आईएससी बीए बीएससी बीकॉम सब का पढ़ाई होता है। वहाँ पर मैं बड़ा बाबू के पोस्ट पर हूँ। किसी भी बच्चियों को दिक्कत परेशानी अगर हो, मेरे पास आप लोग आए और जितना बनेगा मैं मदद करूँगा, उसमें धोखा ही नहीं करना है। अब मैं सारे लोग को पहचानता हूँ, ऐसा बात नहीं है। जो भी लोग वहाँ जाएंगे मैं पहचानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मोड़ लूँगा अपना नज़र। इसलिए कि मैं 1984 से जिस समय से कॉलेज का जन्म हुआ है उस समय से मैं योगदान दिया हूँ और गरीबों को जितना भी बना है मैं मदद किया हूँ, आज भी करने का क्षमता रखता हूँ। इसलिए आप लोग धड़क होकर आइए और पढ़िए, पढ़ने में ही भलाई है। देखिए इतना दूर क्षेत्र में इलाके में आप लोग जागरूक हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि बहुत जगह ऐसा है कि इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं।
एक बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर आप लोग जागरूक हो रहे हैं। जो खेल हो रहा है बहुत तरह का चीज अभी मिलेगा, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी शुरुआत हुआ है, इसको